भाई साहब ये रही अपनी पहली ट्रॉली आइसर 485 के साथ, और दूसरी ट्रॉली खड़ी है वो वहाँ सामने न्यू हॉलैंड 3630 के साथ। नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और हम हैं इस वक्त अपने खेतों पे, और आज जो है किस्मत से हमारे पास 50+ आदमी है, 50+ लेबर जो है हमारे पास है, और आज जो है काफ़ी सारा एरिया जो है खिंच जाएगा। तो हम काफ़ी लेट आए हैं, अभी 10:15 बज रहे हैं और लेबर जो है बहुत पटा रही है, और हम करते हैं पटलिंग और फटाफट से फिर लगवाते हैं धान, आपको दिखाते हैं। तो वीडियो बने रहना, पसंद है लाइक कर दो, मैं हूँ सब्सक्राइब कर दो, लेके चलता हूँ आपको खेत पर। ये देखो हम आ गए खेत पे, ये वाले खेत में इस बार पटलिंग करेंगे हम, और हमसे पहले लेबर पहुँच गई थी ये दो ट्रैक्टरों से। आगे खड़ा है न्यू हॉलैंड और इधर पीछे खड़ा है आइसर 485, और पानी भरा हुआ है एकदम लबालब, यहीं से उतरना पड़ेगा भाई हमको। और अगर आप लोगों को ध्यान हो तो यहाँ से हमने ये रास्ता बनाया है वो तो सही है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे एक नाला भी बनाया है, और उसमें जो है हमको निकलना है। अभी मैं गियर कर लेता हूँ, तीसरे में कर लेता हूँ, और गियर है मीडियम का, खतरनाक तो हो गया है, सही बात है। देख लो भाई, काफ़ी खतरनाक हो गया, सही बात है। तो भाई साहब हम आ चुके हैं खेत पे, लेकिन यहाँ पे आते से ही मुझे एक समस्या दिखी। देखो बिल्कुल फ्री पड़ा हुआ है, और ये यहाँ कहीं से निकल गया है, और इसको करना पड़ेगा क्योंकि एक ही ब्रेक आ रहा है। देखना ये ब्रेक पैडल जो है निकल गया, ये डंडा मटक रहा है, इसका नहीं मटक रहा, क्या निकल गया यहाँ से? पिन गिर गई, बाकी पिन गिर गई। देख सामने जा, पड़ी है ये। अच्छा ये यही है कि ना, लगाना जाए भाई, ये पिन गिर गई थी, तभी ब्रेक ही नहीं आ रहा, वो बिना ब्रेक के यहाँ पे फंस के रह गया। तो भाई साहब पैडल ठीक हो गया, वो एक पिन गिर गई थी वो लगा दिए, और अभी जो है पेडलिंग शुरू करते हैं इस वाले गड़ा में। तो भाई अभी मैं चला रहा हूँ पहले, तो विशाल को बाद में दे देंगे। चलाएंगे लो गियर में, पंद्रह सौ RPM लो का तीसरा। भाई साहब धान लगना शुरू हो चुका है वो वाले गड़ा में, और उसको मैंने मचा दिया है, और बहुत तेज़ी में करना पड़ा क्योंकि लेबर बैठी हुई थी, और अब जो है इस तरफ वाले में थोड़ा कम है पानी, तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। भाई साहब काफ़ी सारी कीचड़ जो है मेरे चश्मे पे आ गई है देखो, और काफ़ी स्पीड में किया था तो उसके चक्कर में काफ़ी सारी कीचड़ आ गई है। अभी
जब तक ये वाला लगाएंगे तो ये वाला गड़ा जिसमें अभी चल रही है पड़ने के तैयार हो जाएगा, और फिर उसके बाद सिक्वेंस आसानी से बना रहेगा। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है बस, और टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए ऐसा किया था। ये देखो काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है, गड़ा क्या है कि यहाँ जिस मेड़ पे मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ तो पतला है लेकिन ऐसी तिरछी गई है तो ये चौड़ा हो गया है, इसलिए बोला दो पार्ट में इसको कर दो ताकि इस तरफ वाला हिस्सा पहले हो जाए। तो भाई साहब अभी कंडीशन ये है कि हमारे पूरे खेत में हर एक टुकड़े में इतना ज़्यादा पानी है कि ट्रैक्टर भी बहुत ज़्यादा पानी मतलब चल रहा है। अब ऊपर की तरफ से मैंने ये ट्रैक्टर निकाला तब भी पानी उल्टा आ रहा है, तो अभी हम जा रहे हैं इसको निकालने की जुगाड़ देखने के लिए कहीं ना कहीं से थोड़ा कम हो जाए क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इतने पानी में धान थोड़ी लग पाएगी। मुझे भी वैसे ही लग रहा है डाउट। तो भाई हम पानी निकालने आए थे, हमारे जगड़ा को जगड़ा में उल्ट जा को जा में आ जाएगा वो कहाँ जा रहा है वो ओ उधर सीधे मत जाना इधर से जाना। भाई ये पौधे जो पटाई है काफ़ी छोटी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। देखो अरे इसी को ये रखिए पौध, और ये वाले गड़ा में जो है कर रहे हैं क्योंकि सबसे कम पानी अभी इसी में है और इसमें भी कम था तो ये दोनों हमने कर दिए, इसमें फिर भी ज़्यादा आया। तो भाई ये जगह पहचान लो, ये वही जगह है जहाँ पे अपन ट्रैक्टर रखते हैं और पंखी रखते हैं, और अभी देख लो क्या भयंकर पानी भरा हुआ है खेत ना, ये बराबर हो रखा है और ये हमने ट्यूबवेल कराया तो जो फेल हो गया है, बराबर है जा रहा है। कल शाम को जब हम ये प्लान कर रहे थे कि हम 35 आदमियों और बढ़ाएंगे, लास्ट वीडियो में मैंने बताया ही था, तो उस वक्त इस खेत में पानी इतना नहीं था लेकिन आज रात की जो बारिश हुई है ना उसमें पानी बहुत ज़्यादा मतलब गिरा है और ये पूरे में बढ़ गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा, नहीं तो इतनी दिक्कत आती नहीं जितनी जो है अभी झेलना पड़ रही है। और अब तो मैं दिखा के लेके आता हूँ कि अभी जो धान लग गई है उसका क्या स्टेटस है, बस ये कि मैं यहाँ से निकलूँगा तो लिपट जाऊँगा लेकिन मैं फिर भी जाऊँगा। बस बाकी कोई दिक्कत नहीं, पानी देखो यार कितने अधिक मात्रा में भरा हुआ है, और ये वाले गेट इसको अभी क्लियर किया है तो ये कचरा एक साइड इकट्ठा हो गया है। इस साल हमने काफ़ी मेहनत करी थी गर्मियों में, इस खेत को पूरी तरह से लेवल कर दिया था सिर्फ डोजर की सहायता से, लेवलर हम नहीं चला पाए क्योंकि हमें मिला नहीं मौके पर, नहीं तो हम लेवलर चलाते और ये गड़ों के साइज़ भी बड़े बड़े करते। और अभी ये स्थिति है कि ये क्या बोलते हैं सारे गड़े हमारे समतल हैं, चारों कोनों पर एक सा पानी है और ये इसमें धान लग गई है लेकिन ये कचरा इकट्ठा होके आ रहा है तो यार ये पट रही है, ये आई थिंक बहुत ज़्यादा पट रही है। देखो इसको बाद में मिलवाना पड़ेगा इतनी जगह को, यहाँ सही है इतनी जगह में ज़्यादा दिक्कत होगी। बराबर तो होगा और जो भाई ये रास्ता बनाया था हमने,
कुछ भी रहे यार, हमें तो जूता निकालना पड़ेंगे। बहुत महंगे जूते हैं भाई साहब, 200 रुपया के हेरा जाते हैं। तो भाई फिर इसकी हालत देख लो, नदी ऐसी हो रखी है, बहुत गहरा गड्ढा हो जाने। तो आ गए नहर पे, क्या है अच्छा पानी लेके आए हो। तो भाई साहब बहुत ज़ोर से गर्मी लग रही थी तो मैंने शर्ट उतार दिए, बादल जो है हैं लेकिन फिर भी गर्मी लग रही है, धूप तो नहीं है लेकिन धूप जैसा मौसम महसूस हो रहा है, इसलिए मैंने जो है फ़िलहाल में शर्ट उतार दिए। और किसी का ट्रैक्टर फंस गया, तो एक ट्रैक्टर जा रहा है निकालने के लिए, उसके तार वार बंधे हुए हैं पीछे, वो सामने जा रहा है ट्रैक्टर, इधर कहीं फंसा हुआ है ट्रैक्टर कोई। तो भाई साहब ये स्टार्टिंग वाला पहला गड़ा लग चुका था, उसके बाद इस वाले में काम चालू करवा दिया है। एक पांत लग गई है, दूसरी पांत आ रही है अभी देख लो। उसके बाद एक दो गड़े ये हो गए, और ये वाला जो पूरा खेत है इसको पूरा ही कंप्लीट कर दे रहे हैं कल के लिए, उसमें मतलब कोई काम नहीं, सिर्फ धान लगाना बाकी रह जाएगी। और अगर रात को पानी नहीं गिरा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा और कल धान लगाने में हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 2 3 4 5 और ये 6 गड़े हैं, इनको मचा के ख़त्म कर दे रहे हैं। ऊपर के शायद दो बड़े बड़े रह जाएंगे, उनको बाद में कर लेंगे। पानी ज़्यादा होता है तो दिक्कत ही आती है कि फिर पता नहीं चलता है कहाँ से जा रहा है कहाँ से नहीं जा रहा है। ये देखो ये कट करा था हमने, पानी कितनी तेज निकल रहा है, ट्रैक्टर आता है तभी निकलता है। अभी कम हो गया, उल्टा जाएगा, देखो ये नाटक हो रहा है। अब ये लेके आ रहा है ट्रैक्टर पानी, अब निकलेगा, अब चेक करके आते हैं पानी कम हुआ या नहीं। वैसे मुझे दिख तो रहा है कि हो गया है, पत्थर है, जान दे कोई दिक्कत नहीं। ये पूरे ही मचा के ख़त्म करो, उसके लिए बार बार क्या इंतजार करो, ये पूरा ख़त्म करके और ऊपर के वो चार गड़ा थे वो भी मचा के अपन आज फ्री हो जाते हैं। तो भाई ये दोनों जा रहे हैं वो वाले खेत में दवाई डालने के लिए, जिस जगह पे धान लग चुकी है उसमें। भाई साहब यहाँ पीछे काम चल रहा है, ये दूसरे नंबर के गड़ा में कर रहे हैं, जो दूसरी शिफ्ट की लेबर है वहाँ जा रहे हैं देखने के लिए। उन्होंने जितने में लगा दी होगी उतनी जगह में हमको अब क्या करना है, स्प्रे करना है दवाई का छिड़काव, जिससे कचरा ना हो। और साथ साथ ये भी देख लेंगे कितनी लग गई है। नहर के उस पार जाना पड़ेगा नंगे पैरों में भाई, इन दिनों में जूते पहन के चलना तो संभव होता ही नहीं है। तो भाई साहब आ गए अपन, और यहाँ पे ये वाला गड़ा भी लग गया है, और ये रास्ता छोड़वा दिए, अभी नीचे जाना है ना अपने को, तो उसके लिए रास्ता छोड़ दिया है। को रास्ता मुल्ला दादा रास्ता नहीं छोड़ा भैया, क्या होता पता है आपको, कटन में चला हुआ बेबा, हां बगड़ा बाम पानी नहीं है दिन में दो में, हां जो लगा छोड़ के जा छोड़वाई, फिर जहाँ से ये छोड़वा एक जा कोड़ दे, अच्छा टूटा ही जहाँ से इतनी आपका कर है भाई, मैंने जाओ खा ले तो बात यहाँ तक लगा दिए ना। तो भाई इतना रास्ता यहाँ तक तो छूट गया, इसके आगे का जो है इतनी सेवा इन्होंने लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अच्छा दिन भर में ये और ये इतना ही लगाएं। तो भाई अभी कर रहे हैं इसमें दवाई डालने की तैयारी, ऐसे ऐसे जाएंगे और वहाँ पे मेड़ पे सो जाएंगे।
जब तक ये लोग दवाई का छिड़काव कर रहे हैं उस बीच में हम चलते हैं पौध की तरफ और देख के आते हैं कि क्या स्थिति है अपनी पौध की, कितनी लग गई है, कितनी बची है। तो भाई साहब ये है अपनी पौध और ये बहुत बची है यार, अभी तो मतलब 40% और लगी है अभी इसमें, आई थिंक 30% तो पक्का होगी। देख लो आप, ये अपन कोने पकड़े हैं गड़ा के ये। तो भाई साहब ये हमारे धान है जिसको आज 4 दिन हो गए, और ये महाराज की धान है जिसको लगभग 10 दिन हो गए, और ये आराम से मतलब खड़े हो गए हैं, पत्ते पूरे अपने अभी भी आड़े पड़े हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ये हो गए रेडी। और ये अपने, अगर आप खेतों पे आते हो पूरी तरह से मतलब अगर जांच पड़ताल करते हो घूमते हो तो 5-10 किलोमीटर कब हो जाते हैं पैदल चलते चलते, पता भी नहीं चलता। तो भाई साहब हमने जो रास्ता बनाया था ये गर्मियों में निकाल तो लिया है, अब इसको चढ़ाने में जो है मुख्य परीक्षा की घड़ी है। अब देखते हैं क्या होता है, ये चढ़ पाता है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैठ रहा है, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी हो गई ना, पानी परमानेंट भरा ही हुआ है और हमने नई नई डाली थी मिट्टी। देखना है कि अब ये लेके आ पाता है कि नहीं, और रोटावेटर लगा हुआ है, वैसे अगर रह भी जाएगा तो हमारे पास 3-3 ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम खींच लेंगे। यहीं से सीधा। खींच रेस की सीधा करके, अरे आ जाएगा यार, ठीक है। पीछे पीछे कर ले, पीछे हाँ लिया, सीधा ले जा, हाँ हाँ देखा है, देखा है उसने, देखा है। तो भाई यहाँ से नहीं चढ़ पा रहा है, यहाँ से सिर्फ उतर सकता है अभी, और सुधरेगी रास्ता। तो भाई हम चल रहे हैं देखने के लिए ट्रैक्टर चढ़ पाता है कि नहीं, क्योंकि वो भी खनती है गहरी, और जब गेहूँ सर्दियों के दिन थे जब गेहूँ बो रखा था उस समय तो इसने बढ़िया काम किया था, लेकिन बरसात की बात ही अलग होती है, बरसात में हर जगह पानी भरा होता है, और उस समय नहर का पानी होता है जो सिर्फ गहरी जगहों पर भरा होता है, हर जगह नहीं होता वो। आ गई जगह भाई, यहीं से चढ़ाना है, देख लो नंगे पाँव हूँ यार मैं, कांटा लग गया ना तो पंचर हो जाएंगे। अब वहां से घुमा के लाएगा, यहीं से चढ़ा रहा है, चढ़ जाएगा, हाँ तो चढ़ा दो, चढ़ जाए तो भाई जगह पक्की होनी चाहिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है, और वो जो थी जगह पक्की नहीं थी, कच्ची थी। अभी देखो यहाँ से, देखो ये भी जगह पक्की है,